नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज हम सिरसा की सैर के साथ और उसके इतिहास के साथ साथ हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन। सिरसा 1824 में रेलवे लाइन से जुड़ा। सबसे पहले अंग्रेज सरकार ने 1884 में राजपुताना को मालवा, रेवाड़ी, बठिंडा लाइन बिछा करके इसको आपस में जोड़ा, क्योंकि यह अंग्रेज सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन होने वाला था। तब यहाँ पर 3 फुट 3 इंच और 1000 मिलीमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई उस समय में, जिससे मीटर गेज कहा जाता था। इसके अलावा सिरसा ब्रांड गेज लाइन से जुड़ा। सबसे पहले सिरसा से दिल्ली तक का सफ़र छोटी लाइन पर सिरसा भिवानी रेवाड़ी होकर के पूरा किया जाता था। 1994 के बाद सिरसा रोहतक के माध्यम से भी रेल लाइन से जुड़ गया, क्योंकि रोहतक भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन बना। ब्रांड गेज बनने के बाद में सिरसा से दिल्ली तक का सफ़र की दूरी 50 किलोमीटर कम हो गई, क्योंकि 1980 में चौधरी बंसी लाल के प्रयासों से भिवानी रेलवे लाइन बन गई थी। मगर यहाँ पर एक दिक्कत ये थी कि सिरसा रेवाड़ी सेंक्शन गेज मीटर था तथा भिवानी रोहतक दिल्ली सेंक्शन ब्रांड गेज था। मगर जब सिरसा ब्रांड गेज बना तो यह रास्ता भी खुल गया। अब बठिंडा से हिसार, भिवानी, रोहतक और दिल्ली के बीच में किसान एक्सप्रेस व सिरसा एक्सप्रेस नामक दो गाड़ियां चलने लगी, जो आज भी निरंतर चल रही है। दोस्तों, सिरसा रेलवे स्टेशन के संबंध में एक दिलचस्प कहानी भी प्रचलित है। अंग्रेजों ने सिरसा रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार नगर की विपरीत दिशा में बनाया, क्योंकि यह अंग्रेजों के लिए एकमात्र मुख्य कारण था कि सिरसा अंग्रेजों के समय में एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भी था। 1990 से पूर्व सिरसा रेलवे स्टेशन एक लोको शेड होता था, जो रेवाड़ी बठिंडा स्टेशन से रेलवे इंजन का मरम्मत के लिए रेलवे इंजन की मरम्मत के लिए एकमात्र स्थान था। अंग्रेज बड़ी संख्या में रेलवे कॉलोनी में रहते थे, जो कि सिरसा में स्थित है और बिल्कुल रेलवे लाइन के बगल में है। सिरसा के पुराने और मूल निवासी बताते हैं कि 1947 से पूर्व रेलवे का मतलब अंग्रेजों के ज़माने की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता था। यहाँ पर उससे पहले एक रेलवे का क्लब था, जिसे अंटाघर के नाम से जानते थे। आज़ादी से पहले इस रेलवे क्लब में स्विमिंग पूल, लकड़ी के फर्श व बैडमिंटन हॉल भी बना हुआ था, जहाँ पर अंग्रेज अधिकारी मौज मस्ती किया करते थे। इसी कॉलोनी में कहा जाता है कि एक प्राचीन और पुरानी अंग्रेजों ने एक सड़क विकसित की थी, जिसे ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता था, और इसके दोनों तरफ नीम के पेड़ होते थे और बहुत विशाल होते थे, जिस कारण यह रोड ठंडी रहती थी। अंग्रेज लोग यहाँ पर सुबह, शाम, दोपहर टहलने आया करते थे। इनके साक्ष्य आज भी मौजूद है, कहीं न कहीं चिन्हित के रूप में। पुराने अस्तबल, पुराने भवनों की बिल्डिंगें और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य आज भी मौजूद हैं, जो कभी न कभी मरम्मत होती रहती है, लेकिन कुछ पुराने खंडहर के रूप में बदल चुके हैं। दोस्तों, ब्रांड गेज आने के बाद में सिरसा रेलवे स्टेशन हालांकि पूरे देश से जुड़ गया था, मगर अभी भी सिरसा से बहुत कम लंबी दूरी की गाड़ियां यहां चलती हैं, जिसमें केवल एक जम्मू अहमदाबाद से जयपुर अमृतसर यात्री गाड़ी शामिल है, जो सप्ताह में 2 दिन चलती हैं। तो दोस्तों, ये थी रेलवे स्टेशन सिरसा की कहानी। दोस्तों, इसी तरह से हम और दूसरी कहानियाँ ऐतिहासिक और पौराणिक लेकर के आते रहेंगे। बस आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।